हाँ, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, COP26। तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आज हमारी चर्चा होगी। इसमें क्या है कि अभी ही जस्ट 12 नवंबर को ये समाप्त हुआ है, 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक, करीब दो हफ्ते का ये समिट था। तो इस बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या हुआ, क्या निकल के आया और ये किस बारे में है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये एक क्लाइमेट चेंज को लेकर के एक कॉन्फ्रेंस था, COP26। और इसका एक इतिहास जान लेते हैं कि क्या है, क्या ये कहाँ से निकल के आया, उसका एक क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री देख लेते हैं, फिर हमें इस बारे में और अच्छा आइडिया लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, अब से अगर आप जस्ट 25 या 30 साल पहले चले जाएंगे, तो जिस प्रोमिनेंट तरीके से आज क्लाइमेट चेंज को लेकर के या ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के बातें होती हैं, लगभग हर स्फीयर में, चाहे पॉलिटिकल क्लास हो, चाहे इंटेलेक्चुअल क्लास हो, या R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, सब जगह इससे रिलेटेड बातें होती हैं, काम भी हो रहे हैं। यही 30 साल पहले इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं थी, उसके लिए एक मैकेनिज़्म भी, कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म भी नहीं डेवलप हुआ था कि इस पर कुछ काम हो सके। तो इसी सिलसिले में क्या हुआ, सबसे पहले क्लाइमेट को लेकर के सबसे पहले एक जो जिसको डिस्कस किया जा सके इस तरह का, कुछ 1972 में एक समिट हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, मीटिंग हुआ, जो भी गया। तो 1972 में स्टॉकहोम में, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, वहाँ पे ये सबसे पहले 1972 में एक समिट हुआ क्लाइमेट को लेकर के, एनवायरमेंट को लेकर के। सबसे पहला कुछ इस फील्ड में किया गया एक इंटरनेशनल कार्य यही था, समिट या कॉन्फ्रेंस जैसा, 1972 का। मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ ताकि आपको इसका कुछ इसमें क्लैरिटी मिले इस टॉपिक पे। उसके बाद और भी चीज़ें हुई, हर 10 साल पे 82 में भी हुआ कुछ इस तरह का, लेकिन कुछ ऐसा मेजर अचीवमेंट नहीं हुआ। मेजर अचीवमेंट कब आया, उसके बाद क्या हुआ, 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो है, रियो में एक समिट हुआ क्लाइमेट चेंज को लेकर के ही, रियो में एक समिट हुआ। वहां पे समिट हुआ जिस समिट का नाम है अर्थ समिट, उसको कहते हैं अर्थ समिट। तो इसमें क्या हुआ, एक चीज निकल के आई, एक कन्वेंशन निकल के आया जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उस 1992 में, जिसको अर्थ समिट भी बोलते हैं, रियो समिट भी बोलते हैं, एक कन्वेंशन निकल के आया, मतलब एक एग्रीमेंट जैसा निकल के आया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको कहते हैं UNFCCC। ठीक है, यही ये जो है पहला इस तरह का डॉक्यूमेंट था ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को लेकर के, या ग्लोबल जो भी क्राइसिस है अर्थ में क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, ये पहला कुछ भी रिटेन चीज़ या जिस पे सभी लोग एग्री हुए थे, वो एक ये पहला हैपनिंग था। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट हैपनिंग कि UNFCCC एक कन्वेंशन हुआ। इसी के आधार पे ये जो 1992 में हुआ, इसी के आधार पे 1994 से क्या हुआ, एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये जो लोग एग्री हुए UNFCCC पे, उन्हीं जो कंट्रीज एग्री हुए उन्हीं कंट्रीज को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहला उसके बाद इसी कन्वेंशन के हिसाब से COP 1, 2, 3 ऐसा होना शुरू हुआ। हर साल ये डिसाइड हुआ इस कन्वेंशन में कि हर साल हम लोग ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज को लेकर के एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उसमें सब लोग जिस भी तरह से एक्ट करेंगे उसके हिसाब से। तो ये हुआ सबसे पहले 1994 से, ये शुरू हुआ सबसे पहले जर्मनी में हुआ। उसके बाद वही COP 1, COP 2, आज इस बार क्या हुआ, COP 26 हुआ। लगभग हर साल होता है, कुछ जो क्राइसिस कंडीशन है, जैसे कि पिछले साल नहीं हुआ कोविड की वजह से, तो ऐसे कभी नहीं हुआ, अदरवाइज हर साल क्लाइमेट पे ये कॉप होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक रहा कि कहाँ से हम शुरू किए। हमने स्टॉकहोम 1972 से शुरू किया, और
वो होते हुए अर्थ समिट 1992, फिर 97 में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हुई जिसका भी मैंने चर्चा नहीं किया, बस नाम बता देता हूँ, बाकी वो एक बड़ा टॉपिक है। वो हुआ क्योटो में, क्योटो प्रोटोकॉल, उसके बाद होते होते हम आज COP26 तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो ये है हमारा। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ इसका देख लेते हैं कि जैसे कि कोई भी कन्वेंशन या एग्रीमेंट होता है तो उसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें एक होती है कि उसकी लीगैलिटी क्या है, लीगल बाइंडिंग है कि नहीं। तो UNFCCC जो है, ये कन्वेंशन है, ये लीगल बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, आप समझ रहे हैं लीगल बाइंडिंग का मतलब। लीगल बाइंडिंग का मतलब ये है, जैसे कि आप NPT आप जानते होंगे, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है वो, इस NPT किस बारे में है कि इस पे जो साइन करेगा, इस कन्वेंशन पे जो भी साइन करेगा, इसका मतलब ये कि वो कंट्री कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। तो ये क्या है, ये जो है लीगली बाइंडिंग है। अगर इस पे कोई साइन किया तो उसको नहीं बनाना, ऐसा नहीं कि वो साइन भी किया वो बना भी रहा है। अगर ऐसा करता है वो तो ग्लोबल एक्शन होगा, यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर हैं वो एक्शन लेंगे या ग्लोबल कम्युनिटी उसके अगेंस्ट एक्शन लेगी, क्योंकि वो लीगली बाइंडिंग है NPT। वैसे ही UNFCCC लीगली बाइंडिंग नहीं है, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इससे होता यह है कि उस तरह से आपने उस तरह की संस्था को सीरियसली और नहीं सीरियसली लेता है। जैसे कि NPT को अब अगर कोई साइन किया है, कोई सिग्नेटरी है उसका, तो फिर वो उसको फॉलो करना होगा। अगर वो नहीं करता है तो उस पर एक्शन होगा। इस केस में ऐसा नहीं है। तो ये एक बड़ा वजह होता है कि इस तरह की संस्थाओं का कोई उस तरह का इम्पैक्ट नहीं होता प्रैक्टिकल रियलिटी में। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारा बेसिक कि क्या होता है COP26 या COP क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और UNFCCC क्या है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस बार जो मीटिंग हुआ है COP26, तो उसमें क्या निकल के आया है, उसमें फाइनली हमने क्या डिसाइड किया है, उसका कुछ आउटपुट निकला है या नहीं, और निकला है तो क्या है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कहाँ पे हुआ है। हम लोग जानते हैं ये कहाँ हुआ है, ग्लासगो। ग्लासगो कहाँ है, ये है स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड कहाँ है, ये है UK। अच्छा, UK में तो आप जानते होंगे, UK में कौन कौन सी कंट्री आती है, इंग्लैंड आता है, प्लस वेल्स आता है, प्लस स्कॉटलैंड एंड नॉर्थ आयरलैंड, यही है ना, ये आता है। ये करीब 40-50% करीब ये है, इंग्लैंड है, बाकी 50% में सारे कंट्रीज हैं। तो कहने का मतलब, अगर ये ऐसा कुछ होता है कि भाई कहाँ पे हुआ था, तो ये ऐसा कन्फ्यूज़न ना हो कि यूके में कोई बोले तो हाँ यूके में हुआ था, स्कॉटलैंड में हुआ था, ग्लासगो में। ठीक है, इनको किसके साथ ही मिलके हुआ था, ये है, हुआ था विद इटली और स्कॉटलैंड, यूके, दोनों ने होस्ट किया था इसको। ठीक है, ये तो बेसिक सा हो गया कि भाई COP26 कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ। अब देखते हैं क्या निकल के आया इस मीटिंग में, जो भी हुआ तो इनमें हमने क्या डिसाइड किया, कहाँ तक पहुँचे हम लोग। तो देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स हमने, 3-4 मेजर डिसीजन हमने लिया फ्यूचर के लिए। तो वो क्या क्या हमने लिया क्लाइमेट के को ध्यान में रखते हुए। तो पहला हमने क्या डिसाइड किया है इस मीटिंग से जो निकल के आया, कि हमें नेट जीरो 2050 मिड सेंचुरी तक नेट जीरो अचीव करना है। और हम देखते हैं कि नेट जीरो का मतलब क्या है, और क्या करना है, 1.5 डिग्री विद इन द रीच ऑफ प्री इंडस्ट्रियल लेवल। इन दोनों चीजों को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। क्या है नेट जीरो का मतलब, क्या है नेट जीरो का मतलब, है कार्बन एमिशन जो होता है, कार्बन एमिशन, इसको हमें नेट जीरो कर देना है। नेट जीरो का मतलब क्या हुआ, कि कार्बन एमिशन हमें 2050 तक जीरो करना है। एक बार और समझ लीजिए, कार्बन एमिशन जीरो करने का मतलब ये नहीं है कि कार्बन एमिट नहीं करना है। कार्बन एमिशन नेट जीरो का मतलब ये है कि जितना कोई कंट्री एमिट करे उतना उसको सिंक भी करे, उतना उसको एब्जॉर्ब भी करे। ठीक है ना, जैसे कि अब एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, एब्जॉर्प्शन का तो यही ढंग है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, या टेक्नोलॉजिकली आप अपने आप को अपग्रेड करें कि उसको कार्बन को और ढंग से सिंक करें, यही है। बाकी समंदर, मतलब सील, जो भी
कोस्ट है वो सारे एक कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं ना, समंदर हो गया, वेटलैंड्स हो गए, ये सब कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। तो ये हमारा टारगेट है कि 2050 तक आते आते हमें अपना जो भी कार्बन एमिशन है नेट ज़ीरो करना है। जीरो नहीं करना है कार्बन एमिशन, नेट ज़ीरो करना, मतलब आप चाहे जितना कार्बन एमिट करिए लेकिन उसको एब्जॉर्ब करने का आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास उस तरह का सारा सिस्टम होना चाहिए जिससे कि नेट कार्बन एमिशन ज़ीरो हो। एक चीज़ दूसरा हमने किया, एडाप्टेशन ये तो है ही, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ मोबाइल फिनेंस, मोबिलाइज फिनेंस। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब हम दूसरा हमने क्या काम किया, फिनेंस को लेकर के हमने बात की। अब क्यों हमने फिनेंस के बारे में हम थोड़ा जान लें कि क्या ये इसका मतलब क्या हुआ। हंड्रेड बिलियन डॉलर का एक फंड इस्टेब्लिश किया गया, $100 बिलियन का, कि जो कि हर साल यूज़ होगा। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पे होगी, जैसे कि मान लीजिए अब जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं, जैसे इंडिया है, और भी डेवलपिंग नेशन है, साउथ एशिया के लगभग सभी कंट्रीज डेवलपिंग नेशन में ही आते हैं, तो ये हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, वहाँ पे अभी एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो अंडर प्रिविलेज्ड है, उनको अभी सही से उनकी बेसिक नीड्स नहीं पूरा हो पाती हैं। तो उस केस में अगर हमें कार्बन एमिशन को कम करने का मतलब ये होता है कि हम अपने डेवलपमेंट को कम कर रहे हैं। डेवलपमेंट को कम करने का मतलब होता है कि आपका जो एक बहुत बड़ा सोसाइटी का सेक्शन है जो कि जिसको अभी बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, उनको कहाँ से आप प्रोवाइड करा पाएंगे। तो इसके लिए हुआ है ये कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो जो है $100 बिलियन का एक फंड बनाएंगी, और उसमें जो भी डेवलपिंग नेशन है उनको प्रोवाइड किया जाएगा कि वो अपना कार्बन एमिशन को कम करे, और उनको ये प्रोवाइड करेंगे ग्रीन टेक्नोलॉजी जिससे कि कार्बन एमिशन कम हो, और फंड प्रोवाइड करेंगे और इस तरह की सुविधाएं देंगे जिससे कि उनके उनके जो डेवलपमेंट को हैम्पर किए बिना कार्बन एमिशन कम हो सके। इसलिए $100 बिलियन का एक फंड ये हुआ, ठीक है ना। तो फिनेंस का ये रोल है, ठीक। उसके बाद है पेरिस रूल भी, इस बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे कि पेरिस रूल जो पेरिस अग्रीमेंट है उस पर हम लोगों को काम करना है। तो तीन चार चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट निकल के आई कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना है मिड तक, 2050 तक, और ये 2050 तक नेट ज़ीरो करना है, और 1.5 डिग्री से ज़्यादा इस सेंचुरी के अंत तक नहीं बढ़ना है। फिर हमने $100 बिलियन का एक फंड बनाने की बात की, और उसके बाद जो पेरिस रूल बुक है, मतलब पेरिस अग्रीमेंट है, उसमें हम देखेंगे अभी पेरिस अग्रीमेंट क्या है, तो उसमें उसको हमें एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। ये चार चीज़ें निकल के आई हमारे यहाँ इस COP26 से। अब नेक्स्ट देखते हैं, अभी हमने पिछले स्लाइड में चर्चा की दो पॉइंट की, एक पेरिस अग्रीमेंट और एक प्री इंडस्ट्रियल लेवल, इन दोनों चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। पेरिस अग्रीमेंट क्या है, पेरिस अग्रीमेंट 2015 में COP21 हुआ, जैसे COP26 है, चार साल पहले क्या हुआ, COP21 हुआ। तो उसमें कुछ चीज़ें, इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकल के आई कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को फॉलो करनी है। तो उसमें एक चीज़ था 1.5 to 2 डिग्री सेल्सियस हमें इस सदी के अंत तक इससे कम टेम्परेचर रखना है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, एक चीज़ ये, ठीक है। दूसरा चीज़ हुआ था फंड हमें डेवलपिंग नेशन, जो डेवलप कंट्री हैं वो एक बड़ा फंड, उसमें अमाउंट एग्जैक्ट नहीं डिसाइड हुआ, $100 बिलियन या जो भी मान लीजिए, कि फंड जो है डेवलप कंट्रीज देंगी जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उनको डेवलप करने के लिए और कार्बन एमिशन कम करने के लिए, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें, मतलब जो पेरिस अग्रीमेंट में हुआ लगभग वही सारी चीज़ें COP26 में पेरिस अग्रीमेंट का ही एग्जीक्यूशन प्लान तैयार हुआ है COP26 में, बस इतना समझिए। तो जो COP21 में हुआ वो COP26 में उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्लानिंग हुई, ठीक है। तो ये हुआ पेरिस अग्रीमेंट, ये था हमारा दो चीज़ की, टेम्परेचर का और एक फंड का। उसके बाद क्या है इसमें,
इसमें हम देख लेते हैं टेम्परेचर राइज को लेकर के देखा, तो अभी हमने बात किया था प्री इंडस्ट्रियल लेवल और ये, तो देखिए राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, अभी हमने क्या डिसाइड किया है कि 2100 आते आते टेम्परेचर हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस के कम होना चाहिए, ठीक है, यही हमारा हमने डिसाइड किया है कॉप में। अब क्या है ये आप देखिए यहाँ पे 1960 से लेकर के 2100 तक का, 2100 तक का ये दिया हुआ है कर्व कि टेम्परेचर कैसे राइज कर रहा है, ये जो टेम्परेचर राइज है और ये टाइम लाइन है, तो आप यहां देख सकते हैं कि जिस रेट से ये राइज कर रहा है टेम्परेचर, अगर यही रेट रहा तो 2100 तो छोड़िए 2040 में हम 1.5 डिग्री सेल्सियस, देखिए 1.5 डिग्री सेल्सियस कब पहुंच रहा है, 1.5 डिग्री पहुंच जा रहा है कब, 2040 में ही, मतलब 20 साल बाद पहुंच जाएगा 1.5 डिग्री सेल्सियस। हमारा टारगेट है कि ये 1.5 डिग्री कब हो, यहां तक पहुंच 2100 में, तो ये जो कर्व है इसको हमें क्या करना होगा, फ्लैटन करना होगा। हम आज तो यहाँ तक, यहाँ तो कर, यहाँ से तो कुछ कर नहीं सकते, यहाँ तक पहुँच ही गए, तो अब इससे ऐसे न करके ऐसे करना होगा। तो ऐसे करने के लिए ही हमने क्या डिसाइड किया है कि 2050 तक नेट एमिशन जीरो करना है, उसके बाद इस तरह जो स्टेप लिए हैं वो नेट एमिशन जीरो होगा तभी तो टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग रुकेगा। तो ये इसलिए हमने क्या किया है, ये कार्बन एमिशन को 50% का टारगेट इसलिए लिया है कि इस कर्व को हमको फ्लैटन करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और एक और बेसिक चीज देख लीजिए, ये तो ठीक है आ गया, हमने पता लग गया। अब क्या है इसमें हमेशा ये जब भी ग्लोबल वार्मिंग के टेम्परेचर कंट्रोल की बात होती है तो हमेशा एक टर्म आएगा प्री इंडस्ट्रियल लेवल, तो आपके दिमाग में आएगा कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल क्या है, तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल का मतलब हुआ अलग अलग विद्वानों का अलग अलग राय है, लेकिन एक जो कॉमन पॉइंट पे सब लोग पहुंचे हैं वो ये है कि 1850 से लेकर के 1900 तक का समय को हम बोलते हैं प्री इंडस्ट्रियल लेवल, ठीक है ना, कि इस समय का जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर था, इस समय का जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर था उसको हम क्या मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं इसके हिसाब से। सपोज अगर इस समय का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर ग्लोबल एक्स था, तो हमारा 2100 आते आते एक्स प्लस 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये ठीक है ना। तो ये हमारा है इसमें कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल का मतलब क्या हुआ, 1850 से 1900 तक का एवरेज टेम्परेचर, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं हम कि अब COP26 में हुआ सब, COP26 में कुछ निकल गया है, कुछ पॉइंट हमने चर्चा किया। अब इंडिया ने COP26 में क्या कहा कि ये लोग अपना क्या गोल सेट किए हुए हैं, तो ये इंडिया का कुछ पॉइंट है वो हम देखते हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इंडिया ने एक वहाँ पे कुछ कमिटमेंट किए जिसको नाम दिया पंचामृत, मोदी जी गए थे पंचामृत, इसको नाम दिया, उसमें 5 कमिटमेंट किया इंडिया ने जो कि बहुत ही एम्बिशियस कमिटमेंट है, मतलब इस तरह का जो भी देख रहा है, पढ़ समझ रहा है, उसको पता लग रहा है कि ये कैसे अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉलिसी लेवल पे है और बहुत वर्क करना पड़ेगा, बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए और बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी, लेकिन ये हम देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। अब इसमें हम इंडिया ने क्या किया, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि COP26 में क्या डिसाइड हुआ है कि 2050 तक हमें क्या करना है, 50 नेट जीरो एमिशन करना है, लेकिन हमने क्या कहा, इंडिया ने कहा कि हम जो है अपना नेट जीरो 2050 तक नहीं कर पाएंगे, हम अपना 2070 तक करेंगे, ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई, 2070 तक करेंगे, क्योंकि हम डेवलपिंग नेशन है, हमारे बहुत एस्पिरेशंस है, हमने कुछ अचीव नहीं किया अभी तक, हमें करना है, और इसलिए कार्बन एमिशन हम 2070 लग जाएगा हमें नेट जीरो के लिए, ठीक, एक चीज ये। दूसरा, इंडिया ने क्या किया है, 500 गीगावाट 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी। अब देखिए इंडिया ने कितना बड़ा प्रॉमिस किया है कि 500 गीगावाट जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, मतलब फॉसिल फ्यूल के अलावा जो एनर्जी सोर्सेज हैं, वो 2030 तक सिर्फ आने वाले 8 सालों में 500 गीगावाट तैयार करेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉमिस है, और इसको हम लोग देखते हैं कैसे होगा, कुछ पॉलिसी लेवल पे चेंज करना पड़ेगा। अभी हमारा करेंट जो नॉन फॉसिल एनर्जी का जो क्रिएशन होता है वो टोटल हमारा है 100 गीगावाट, इसको 5 टाइम्स करना है आने वाले 8 सालों में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है
कमिटमेंट है, अब देखते हैं कैसे होता है। हालांकि ये सारे कमिटमेंट जो किया गया है ये बहुत जरूरी है 2070 तक अपना कार्बन एमिशन नेट जीरो करने के लिए। ठीक, तो एक हो गया ये। दूसरा हमने क्या किया कि एनर्जी रिक्वायरमेंट 2030 तक हम क्या करेंगे, 50% हमारी जो 2030 तक जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है इंडिया की वो 50% हम कर देंगे। आज 50% क्या होगा, रिन्यूएबल से होगा। ठीक है, 50% हम रिन्यूएबल से करेंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इससे कार्बन एमिशन में बहुत कमी आएगी। ठीक, फिर तीसरा हमने क्या प्रॉमिस किया कि कार्बन एमिशन हम 2030 तक 1 बिलियन टन कम करेंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें हम करेंगे तो ये तीसरा अचीव होगा, मतलब होने में की संभावना बढ़ जाएगी कि 1 बिलियन टन हम क्या करेंगे 2030 तक अपना कार्बन एमिशन कम करेंगे। और उसके बाद हमने एक किया कार्बन इंटेंसिटी 45% करेंगे 2030 तक। अब कार्बन इंटेंसिटी 75% करेंगे इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन इंटेंसिटी 45% करने का मतलब ये हुआ, आप एक एग्जांपल समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट एक्स है, इसको तैयार किया गया, तो इसमें इसको तैयार करने में कुछ ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कोई ना कोई कार्बन एमिशन होगा। तो मान लीजिए अगर 100 यूनिट हो रहा है तो हम इस प्रोडक्ट को बनाने में इस प्रोसेस का यूज करेंगे कि ये जो है सिर्फ इससे 45% कम हो, मतलब 55% कार्बन एमिट हो, बाकी वो उस प्रोसेस में एमिशन कम हो, इस तरह का हम प्रोसेस यूज करेंगे। तो ये हुआ कार्बन इंटेंसिटी कम होगा, बाकी ये नेट जीरो 2070 तक में अचीव करेंगे। तो इंडिया ने ये सारी कमिटमेंट किए हैं उस समिट में, और ये बहुत एम्बिशियस कमिटमेंट है, इस बारे में बात हो रही है, डेवलपिंग नेशन हो करके इस तरह का कमिटमेंट बहुत बड़ा अगर हमने अचीव किया तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडिया का जो वहाँ पे कमिटमेंट था COP26 में। और कुछ एक दो चीज़ें और इंडिया के बारे में हम देख लेते हैं इसी संदर्भ में, COP26 या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के संदर्भ में, कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे ग्लोबली कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं किस चीज़ में। अब देखिए हमारा जो टोटल पॉपुलेशन साइज है विद रेफरेंस टू वर्ल्ड, हम 17% ग्लोबल पॉपुलेशन का शेयर करते हैं, 17% हम ग्लोबली शेयर करते हैं, और सिर्फ हमारा कार्बन एमिशन 5% है। अगर कायदे से बहुत जस्टिस ढंग से देखा जाए, बहुत न्यायपूर्ण तरीके से देखा जाए तो हम 17% हैं, तो 17% हमारा कार्बन एमिशन अगर होता है तो जेन्यून है। तो हम सिर्फ 17% ही नहीं बल्कि हम 5% कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं। तो ये इंडिया के लिए एक पॉजिटिव साइन है कि भाई अच्छा है, हम ऐसा नहीं है कि हम इतना हम मतलब गंदगी नहीं फैला रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट में हमने उसका एमिशन नहीं किया इतना ज़्यादा, इसका मतलब ये हुआ, मतलब ये पॉजिटिव है भारत के लिए। दूसरी चीज़ कि हमने जो अभी प्रॉमिस किया है इतना बड़ा बड़ा, तो उसको कैसे अचीव करेंगे, इसके लिए मोदी जी ने अपने स्पीच में एक लाइन उसमें कुछ एग्जांपल भी दे दिए थे, वहाँ से मैंने एक लिया है जाके आपको आइडिया लगे कि कैसे कैसे शुरुआत हुई। जैसे मान लीजिए नेट कार्बन हमको अगर जीरो करना है 2070 तक तो कैसे होगा, उसको स्टेप में डिवाइड करा जाएगा ना, कि भाई गुजरात सरकार को बोल दिया जाएगा कि आप अपना स्टेट का कार्बन एमिशन को देखिए कम करिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट को बोला जाएगा कि हाँ आप अपना नेट जीरो करिए। तो वो इस तरीके से छोटे छोटे डिवाइड होंगे, हर एक छोटे छोटे पार्ट में अपना अपना डिपार्टमेंट सब अपने कार्बन एमिशन को जीरो करने का अपना अपना तरीका बनाएंगे, प्लान तैयार करेंगे। तो वैसे ही इंडियन एक उसी से रिलेटेड आप समझिए कि इंडियन रेलवे जो है ने प्रॉमिस किया है 2030 तक ये नेट जीरो अचीव कर लेगा, 2030 तक। ये बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि इंडियन रेलवे जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े रेलवे में से है। तो 2030 तक नेट अगर ये अचीव हो गया तो आप समझिए कि 60 मिलियन टन जो है कार्बन एमिशन में रिडक्शन होगा, 60 मिलियन टन कार्बन रिड्यूस हो जाएगा, इतना कार्बन एमिशन करता है इंडियन रेलवे। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट होगा। तो ये इन्होंने एक रोड मैप दिया कि देखिए हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं 2020 तक हमारा जो नेट एमिशन जीरो हो सकता है, उसका एक एग्जांपल जैसा दिया। तो ये अगर अचीव कर दिए तो ये एक माइलस्टोन होगा हमारे अचीवमेंट में, 2070 के अचीवमेंट में एक माइलस्टोन होगा। दूसरा, इट करेंटली हैज़ ए कैपेसिटी, देखिए
सोलर एनर्जी का, सोलर एनर्जी मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नॉन फॉसिल एनर्जी का, अभी जो हमारे पास करंट जो सोर्स है टोटल कितना हम प्रोड्यूस करते हैं, 100 गीगावाट करते हैं। अब इसी को 2030 तक 500 गीगावाट करना है, ठीक है ना। तो ये है हमारा करंट कैपेसिटी 100 गीगावाट है। उसके बाद एक और चीज़ हमने किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट अभी इस करंट रिजीम ने किया है, वो ये कि हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, एक इंटरनेशनल बॉडी का हमने निर्माण किया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया ISA, जिसका हेड ऑफिस गुरुग्राम में है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी इसमें मोर देन 150 कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया है ऑलरेडी। अभी 15 दिन के अंदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसराइल दोनों ने ज्वाइन किया। इतनी बड़ी डेवलप्ड और जो सुपर पावर कंट्रीज अगर आपके एसोसिएशन को ज्वाइन कर रही हैं, इसका मतलब वो सक्सेस है। और इसका हमें अपने तो नेट जीरो करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा, बहुत इसको इससे हमें मदद मिलेगी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से, सोलर एनर्जी से मदद तो मिलेगी। तो एक ये हो गया हमारा कुछ फैक्ट्स जो कि इस पर्सपेक्टिव में जरूरी था COP26 के। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि एमिशन किस तरह से कर रहे हैं, थोड़ा ग्लोबली एक दो चीज़ देख लेते हैं कि चाइना का एमिशन रेट क्या है, किस तरह से कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट का क्या है, इंडिया का क्या है, तो हमें थोड़ा आइडिया लगेगा कि हम लोग कहाँ पे हैं, क्या करके आ रहे हैं अभी। देखिए चाइना ये कर्व है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिख रहा है, कार्बन एमिशन, इधर कार्बन एमिशन है और इधर टाइमलाइन है। तो कार्बन एमिशन किसका कैसे हो रहा है वो इसमें दिखा रहा है, कैसे किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, किसका कौन से कंट्रीज का। तो जो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं कार्बन एमिशन में, उनका इसमें दिया हुआ 3-4 ग्राफ। तो आप देखिए ये है चाइना, चाइना आप देख रहे हैं ये करीब 2000 के आसपास से वो बिल्कुल स्काई रॉकेट की तरह तेज बढ़ा है और अभी हल्का सा स्टेबलाइज होना शुरू हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे बहुत तेजी से इसका कर्व ऐसे होगा तब जाके कुछ होगा, ठीक है ना। तो चाइना का तो बिल्कुल ही अलग ही दुनिया में है कार्बन एमिशन को लेकर के, मतलब बहुत तेजी से हो रहा है। दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब तो बहुत एफ्लुएंट और डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो इनमें एक स्टेबिलिटी दिख रही है, लगभग कॉन्स्टेंट सा है। हालांकि इस कॉन्स्टेंट से नहीं होगा, ये बहुत तेजी से कम करेंगे लोग, क्योंकि इनका पहले से ही कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा है, तो कम तेजी से करना होगा तब जा करके हम वो ग्लोबली अचीव कर पाएंगे। उसके बाद आता है यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन में सारे यूरोप के कंट्रीज लगभग आते हैं। तो यूरोपियन यूनियन थोड़ा ज़्यादा सिविलिटी है इन लोगों में, हमको लगता है कि ये लोग फिर भी बाकी लोगों से, इनका कार्बन एमिशन कम है, क्योंकि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स अपना है, आप जानते हैं फ्यूल को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर उनका स्टैंडर्ड ऐसा है कि एनवायरनमेंट पे उसका एडवर्स इफेक्ट कम होता है। दूसरा उसके बाद आता है इंडिया, तो इंडिया भी देखिए, इंडिया में हमारा जो कार्बन एमिशन है बहुत ही मतलब स्लाइट इंक्रीज है, जैसे ग्रोथ के लिए, एक नॉर्मल ग्रोथ के लिए बिल्कुल ये एक कॉमन ग्राफ है कि हाँ ठीक है, ना ही बहुत तेज है ना ही बहुत कम है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन एक नॉर्मल है। कोई जैसे कि चाइना का आप देख रहे हैं इतना है, बाकी ये लोग तो दोनों डेवलप्ड कंट्रीज हैं बहुत ज़्यादा, USA और यूरोपियन यूनियन। अब ये डेवलपिंग में होकर के बहुत इसका कम कंट्रीब्यूशन है इंडिया का, ठीक है। तो ये हमारा, हमने देखा कि क्या क्या है, किस तरह से अभी कंट्रीब्यूशन चल रहा है बाकी जो बड़े एमिटर्स हैं दुनिया के कार्बन एमिटर्स वो। दूसरा हम देखते हैं कि कार्बन एमिशन का क्या है, किस तरह से मतलब कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है कार्बन एमिशन में कौन। तो चाइना जो है नंबर वन पे है, इतना मेगाटन, 11,500 मेगाटन, मतलब सबसे टॉप पे कौन है, चाइना। उसके बाद USA, तीसरे पे यूरोपियन यूनियन, चौथे नंबर पे है इंडिया, फोर्थ पे इंडिया। अब ये तो हो गया कंट्रीब्यूशन में, देख लिया हमने कि कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर कंट्रीब्यूटर जो है 3-4 कंट्री, किसका किसका क्या है। लेकिन आप एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, जिससे कि ज़्यादा सही ढंग से देखा जाता है कि भाई किसका पॉल्यूशन में या किसी चीज़ में कितने कंट्रीब्यूशन है। तो हमारा पर कैपिटा जो कंट्रीब्यूशन है वो दुनिया के सबसे जो कम कंट्रीब्यूशन है पॉल्यूशन का उनमें से आता है, 1.9 है हमारा पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन। और बाकी का देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स का 15 पॉइंट, भारत से 14-15 गुना है, चाइना का भी ज़्यादा है, लगभग ज़्यादा। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पर कैपिटा कार्बन एमिशन है वो किसका है, कतर का है। तो हमारा अगर जो ज़्यादा
मतलब जस्टिस वाला ढंग है कोई चीज़ कैलकुलेट करने का पर कैपिटा। तो ये पर कैपिटा जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कार्बन एमिशन भारत का बहुत कम होता है, बल्कि दुनिया के जो सबसे कम पॉल्यूशन क्रिएट करने वाले कंट्रीज हैं उनमें नंबर आता है पर कैपिटा को अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ये हमारा हमने देखा कि भाई कार्बन एमिशन का क्या बिहेवियर है दुनिया में, कौन कैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक, बाकी एक और चीज़ देख लीजिए कि 7% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कौन कंट्रीब्यूट करता है, यूएसए। ठीक है, नहीं इंडिया करता है। ठीक, और सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है कौन, चाइना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसको, एक इस ग्राफ में देख लें और इजी समझ में आ जाएगा इसमें कि कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आप चाइना को देख रहे हैं, 28% चाइना कंट्रीब्यूट कर रहा है अकेले, 14-15% करता है यूनाइटेड स्टेट और 7% करता है इंडिया, और बाकी दुनिया बाकी सब मतलब जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाकी बचे हुए करते हैं कंट्रीब्यूट। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन चाइना का है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके बाद अमेरिका इंडिया है, बाकी यूरोपियन यूनियन, ये तीन चार का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। तो हमने ये देखा, बाकी हाँ बस थैंक यू, बाकी देखते हैं कुछ और होता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा तो बोलेंगे हम लोग। ठीक है ना, ओके।